अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। चुनाव नजदीक है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने जा रहे हैं, 23 मई को नतीजे जाहिर होंगे। ओपिनियन पोल कांग्रेस की हुकूमत का अंदाजा लगा रहे हैं, पर जैसे अंदेशा था उसी तरह हिंदू मुस्लिम फिर एक बार ध्रुवीकरण की साजिशें भी तेज होती नजर आ रही है। हकीकत सच्चाई और फसाना झूठ क्या है इसे समझने की जरूरत है। 5 मई को एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसे लेकर हो सकता है एक बार फिर मुल्क के माहौल को कश्मीर फाइल्स की तरह आलूदा बनाने की साजिश फिरकापरस्तों की जानिब से चली जा सकती है और चली जा रही है। हमने इससे पहले भी मुसलमानों को लेकर अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कैसे की जा रही है इस पर भी हमने तबसरा किया था और वो कामयाब भी कुछ हद तक हो चुके हैं, ऐसा कहना गलत ना होगा। मौजूदा दौर में मुसलमानों को लेकर जो माहौल पूरे मुल्क में बना है इसे एक तरह की कामयाबी ही कह सकते हैं। हाल ही में मुल्क के गृह मंत्री यानी कि वजीर दाखला, इनका बयान भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो रियासत में फसाद बर्पा हो सकते हैं। मतलब खुद गृह मंत्री ही इस तरह का बयान करते हैं तो आखिर इस देश का मुस्तकबिल क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। योगी आदित्यनाथ एक रियासत के वजीर आला हैं, लेकिन इनकी भी बयानबाजी देखिए। ऐवान असेंबली में कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, यानी फैसले सड़कों पर ही किए जाएंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया संविधान को रोनते हुए। आतिक को गोलियों से भून दिया जाता है, यह किसी मुजरिम की हिमायत नहीं है बल्कि मुल्क संविधान से चलता है। आप क्या सोचते हैं इससे पहले संविधान क्या कहता है इसे समझने की जरूरत है। खैर, आरएसएस संघ परिवार का मुस्लिम लड़कियों को लेकर क्या एजेंडा है सभी जानते हैं। आरएसएस की जानिब से बारहा इस पर बयान दिए जा चुके हैं। एक पर्चा वायरल भी हुआ है जिसमें मुसलमानों की लड़कियों से कैसे ताल्लुकात कायम करने हैं, किस तरह से हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसाना चाहता है, शादी करनी कैसे है, कैसे इस्लाम से झूठी हमदर्दी जाहिर करनी है ताकि मुस्लिम लड़कियां उस तरफ माइल हो जाए वो नौजवानों की तरफ, सोशल मीडिया के जरिए कैसे मुस्लिम लड़कियों के नज़दीक आना है वगैरह वगैरह। खैर, इस पर्चे की सच्चाई क्या है नहीं जानते, लेकिन इस तरह के पर्चे वायरल जरूर हुए। कई ऐसी कहानियां भी देखने सुनने को मिलती है और मिल भी रही है जिसमें हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर इन्हें शादी कर हिंदू मजहब में लाया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नुमानी में हाल ही में भी अपने बयान में कहा कि 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। मतलब सच्चाई कुछ और है पर कहानियां कुछ और बनाई जा रही है। एक नया ट्रेंड मुसलमानों को लेकर और निशाना बनाने के लिए चलाया जा रहा है। फिल्मों के जरिए मुसलमानों से नफरत को बढ़ावा देने की तहरीक तेज हो चुकी है। पिछली मर्तबा भी हमने कश्मीर फाइल्स के जरिए इसे देखा है कि कैसे पूरे मुल्क में एक कौम को निशाना बनाया गया। लिहाजा एक और कोशिश केरला स्टोरीज के नाम से की जा रही है। फिल्म थिएटरों में 5 मई को रिलीज होगी। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं। फिल्में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के मोहब्बत के जाल में फंसा कर इन्हें जिस्म फरोशी में कैसे डालते हैं, फिर उसके बाद दहशतगर्द कैसे बनाते हैं जिसमें मुस्लिम लड़कियों का अहम रोल रहता है, फिर उन हिंदू लड़कियों को आईएसएस यानी कि आईएसआईएस में दाखिल कर देते हैं। फिल्म में तशद्दुद फैलाने के लिए जितना मुमकिन हो सके उतने सीन इसमें फिल्माए गए ताकि नफरत को फैलाने का पूरा मौका इस फिल्म में दिया गया। लिहाजा दी केरला स्टोरी के जरिए फसादात को बर्पा करने का अंदेशा भी कई माहिरीन की जानिब से जाहिर किया जा चुका है। ये तमाम कोशिशें आने वाले 2024 के चुनाव और रियासत कर्नाटक के मद्देनजर कहा जा रहा है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा 5 दिन में फर्क तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 2024 को ही नजरों के सामने रखकर ही इस तरह की फिल्म बनाई गई है। पहले लव जिहाद को लेकर इस तरह का माहौल बनाया गया। खुद अदालत ने भी इस बात को मान लिया था कि लव जिहाद कुछ है ही नहीं का। इसी तरह कोरोना के लिए भी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई, यानी कि किस तरह से एक मुनज्जम साजिश, मुनज्जम एक नैरेटिव किस तरह से चलाया जाता है इसे समझने की जरूरत है। एक बात यह भी समझने की जरूरत है कि जब माहौल को आलूदा बनाया जाता है आखिर में अदालत फैसला सुनाती है कि इसमें मुसलमानों का कोई दखल नहीं है। हाल ही में जो अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है तो फसादात बर्पा हो सकते हैं, इस बयान पर कांग्रेस ने कंप्लेंट फाइल की है। इसके बावजूद भी भाजपा के कायद मुसलमानों के खिलाफ मनमानी बयान दिए जा रहे हैं। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी ने भी अगर तशद्दुद वाला बयान दिया तो फरियाद की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी नफरती बयान किसी लीडर या किसी शख्स की जानिब से दिया जाता है तो बिला ताखिर कंप्लेंट को दर्ज किया जाए, लेकिन ना तो भाजपा के लीडरों को अदालत का डर है और ना ही इंतजामिया का खौफ इनमें देखा जा रहा है।
अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि हुकूमत के दबाव में इंतजामिया काम करती नजर आ रही है। ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईबी तो शायद हुक्मरानों के हुक्म के इंतजार में ही रहते हैं। चुनाव के नजदीक तो ईडी विपक्ष के घरों पर ही छापेमारी कर डराने की कोशिश करती है। जहां सरकारी एजेंसियां या अख्तदार पजीर हुकूमतों के टट्टू बनने लगे तो अदलिया इंतजामिया से कहां तक अवाम उम्मीद कर सकती है। मुसलमानों के खिलाफ एक और केरला स्टोरी के नाम से फिल्म नफरती माहौल को बढ़ावा दे सकती है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस फिल्म पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, ये भी उतना ही सच है। कश्मीर फाइल्स के जरिए जो नफरत परोसी गई है, सभी जानते हैं कि थिएटरों में किस तरह से हंगामा किया जाता था, किस तरह से मजहबी नारा लगाया जाता रहा, कैसे हुकूमत ने टैक्स फ्री कर नफरत की आग को भड़काने का ही काम किया था। कई तंजीमों ने इस पर पाबंदी की मांग की। अमित शाह और अनुराग ठाकुर को खत के जरिए से केरला स्टोरी पर पाबंदी लगाने की बात की, लेकिन केरला स्टोरी नफरत का माहौल बनाने के लिए जब बनाई गई है और एक साजिश का हिस्सा है तो हो सकता है कि इसे रोका नहीं जाएगा और इस पर पाबंदी भी नहीं लगाई जाएगी। वाजह है कि केरला में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं और नज्म जब्त के साथ अपनी जिंदगी बिताने के आदी हैं। यहाँ तालीम और इल्म के मैदान में मुस्लिम माशरा पेश पेश नजर आता है। केरला को भी जमीन पर जन्नत कहा जाता है, लेकिन नफरती एजेंडे के जरिए अब यहाँ भी इस जन्नत को जहन्नम बनाने की साजिश बन चुकी है। फसादात को बरपा करने की साजिश और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाली फिल्म को बतौर साजिश बताया जा रहा है। केरला से 32,000 हिंदू लड़कियों को आईएसआईएस में इस्लामी दहशतगर्दी की तस्वीर के जरिए मुसलमानों को फिर से निशाना बनाने की खतरनाक साजिश कही जा रही है। यकीनन इसे हुकूमत बढ़ावा जरूर देगी, क्योंकि नफरत की आड़ में ही सियासी कामयाबी हासिल की जा सकती है, इसका इल्म इन्हें है और इस तरह की फिल्में इसीलिए बनाई जा रही है। और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को कुछ लेना देना तो है ही नहीं, ये अपनी जिंदगी में मस्त है। इनके सामने अगर कल कयामत भी आती है, अगर कह दिया जाए तो इनके जश्न, इनकी पार्टियां, इनके बर्थडे ये कभी रुकने वाले नहीं है। साजिशों पर मेहनत, दूरंदेशी के साथ इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए, मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने के लिए मुस्तकिल काम तो सामने से जारी है और अंजाम भी दिया जा रहा है, लेकिन हिंदू लड़कियों की कहानियां बनाकर मुसलमानों को ही दोनों तरफ से निशाना बनाने की कामयाब कोशिश की जा रही है कह सकते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज, इनके जिम्मेदार, इनके उलमा और सियासी लीडरों को शायद दी केरला स्टोरी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है इसका अंदाजा भी ना होगा। इसके बरक्स मुस्लिम लड़कियां मुर्तद होने की खबरें रोजाना दस्तयाब हो रही है। मुसलमानों पर कितना भी मातम करे कम ही है, क्योंकि इन्हें आने वाली मुसीबत का ना तो इनको इल्म है और ना ही वो इस पर नजरसानी करना चाहते हैं, और इल्म है भी तो इन्हें किसी तरह की परवाह नहीं है। जैसे अमित शाह ने कहा था कि कर्नाटक में फसादात होंगे, कहीं केरला स्टोरी का असर रियासत में तो नजर नहीं आएगा, इसी चर्चा अवाम में करते हुए देखा जा रहा है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।